नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैं काले चने की सब्जी और आलू की। आलू और काले चने की सब्जी मैं बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। आपने चने की सब्जी बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बनाइएगा। देखिए, मैंने ये काले चने हैं, मैंने इसे भिंगो लिया था, रात भर भिंगो कर रखा था, और ये आलू मैंने उबाल लिए थे। आप चाहें तो कच्चे आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये उबले हुए आलू हैं, तो मैं उबले हुए आलू से बनाकर दिखाती हूँ। ये अब मिक्सी के जार में हम आज मसाले पीस कर बनाएंगे। ये मैंने लहसुन की 2-4 कलियाँ डाली है, थोड़े से जीरा, हल्दी पाउडर, इसमें डालूँगी 4-5 लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितने आपको तीखा पसंद हो। मैंने 5 लिए हैं, ये ज़्यादा तीखे नहीं हैं। और इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया पाउडर, ये मैंने डाली थोड़ी से धनिया पाउडर, और इसे हम पीस लेंगे। इसे मैं पीस कर लाती हूँ। और ये जो चने हैं, इसे भी हम आधे चने को पीस दरदरा पीसेंगे, और आधा चना ऐसे ही साबुत रहने देंगे। तो ये देखिए, मैं 2 जगह कर दे रही हूँ। आधे चने को मैं इसे पीस कर ला रही हूँ, और इसे अब दिखाती हूँ बनाकर पीस कर ला रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है। इसे ऐसे ही दरदरा, देखिए ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसे दरदरा करना है इसे। अब मैंने ये गैस पे कढ़ाई रखा, और इसमें डालूँगी तेल। तेल डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे जीरा और तेजपत्ता। जब जीरा और तेजपत्ता चिपक जाए, तो इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने डाल दिए प्याज, और इसे हल्का सुनहरा होने तक इसे चलाते रहेंगे। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चने को। देखिए, हल्का सुनहरा ये हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे चने को डालकर, और इसे चलाएंगे। ये मैंने डाल दिया चना, और इसे 2 मिनट चला, इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए, चना और प्याज ऐसे 2 मिनट तक चलाने के बाद कैसे हो गए। अब ये इसमें हम डालेंगे आलू को डालकर भी, और इसे फ्राई करेंगे इसी में। आलू, चना और प्याज को ऐसे कर लेंगे फ्राई। उसके बाद 2 मिनट तक आलू को भी ऐसे चलाएंगे, और 2 मिनट हो जाए, 2-3 मिनट, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले पीस रखे थे ना, उस मसाले को डालेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए, ये अब हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले को डालकर, और अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें डालते हैं मसाले। ये मैंने मसाले पीस रखे थे, अब हम इसमें डालकर और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 2-3 मिनट लगेंगे मसाले को पकने में। तो ये देखिए, मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, ये मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी, और ये थोड़े से गरम मसाले डाल दूँगी, और इसे मिक्स करेंगे। और इसमें इसे भी थोड़ा अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने चने को दरदरा पीस रखा था ना, अब हम उसे डालेंगे, और उसे डालकर भी 2-3 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए, अब हम इसमें डालते हैं जो हमने चने डाल दरदरा कर रखा था, उसे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स कर और फिर इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालकर और इसे अच्छे से पका लेंगे। नमक मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ दोस्तों, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा।
नमक डालकर और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे पानी। देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। पानी डालेंगे, ये मैं एक कटोरी पानी डाली, इसमें और भी पानी अभी लगेंगे। और इसका ग्रेवी जो होता है दोस्तों, इतना टेस्टी होता है कि मत पूछिए। आप एक बार खाओगे फिर आप इसे बार बार बनाओगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और अभी पानी डालेंगे। ये अभी गाढ़ा लग रहा है मुझे, इसमें एक कटोरी और पानी डालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी, देखिए कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे ढक देंगे 2-3 मिनट तक इसे पक। देखिए दोस्तों 2-3 मिनट हो गए, मैंने इसे ढक कर छोड़ दिया था, मैं इसे दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल पक गया है और कितना अच्छा बना है ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी से, चावल से, पूरी से, पराठे से, सब चीज़ से खा सकते हैं और बहुत ही लजीज लगता है ये। चलिए मैं इसे सर्व कर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये सब्जी कितनी अच्छी बनी है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अगली वीडियो में जल्द लेकर आऊँगी। नमस्ते दोस्तों।